नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। चंद्रमा, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की महादशा के बारे में। चंद्रमा अपनी महादशा में क्या फल दे रहा है, कौन से शुभ फल होंगे और कौन से अशुभ फल होंगे, और किस भाव में चंद्रमा अपनी महादशा में अशुभ फल देगा और किन भावों में बहुत ही शुभ फल देगा, और उन शुभ और अशुभ फलों का संपूर्ण विवरण और कुछ निवारण उपाय भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूर्ण वीडियो मेरा देखने की निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि अंत में मैं आपको एक निःशुल्क सेवा देता हूं, उसके लिए ये वीडियो देखिए। बहुत ही जानकारी वर्धक ये वीडियो बनाया है हमने। चंद्रमा अगर अपनी उच्च की राशि, जिसको हम वृषभ बोलते हैं, अपनी मूल राशि जिसको हम कर्क बोलते हैं, अगर बैठे हैं, कहां बैठे हैं, केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण भाव में जिनको हम शुभ भाव बोलते हैं, या एकादश भाव जिसको हम लाभ का भाव बोलते हैं, अगर बैठे हैं, विराजमान है, और उनके साथ शुभ ग्रह भी बैठे हैं, शुक्र भी आ गए उनके साथ, उनके साथ बृहस्पति भी आ गए, बुध भी आ गए, ये शुभ ग्रह अगर बैठ गए, और चंद्रमा बली भी हैं, षट बली भी हैं, और इसके साथ अगर ये कॉम्बिनेशन है, इसके साथ और दूसरा कॉम्बिनेशन भी अगर बन जाता है कि जो नौवां भाव होता है जिसको हम भाग्येश बोलते हैं, भाग्य भाव, अगर नौवें भाव का स्वामी जिसको भाग्येश बोलते हैं वो भी वहां बैठ गए, दसवें भाव का स्वामी दशमेश बोलते हैं, रोजगार का और एनर्जी का कर्मशील भाव होता है, उनके स्वामी अगर चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए, तो चंद्रमा अपनी अंतरदशा में और महादशा में आपको क्या क्या नहीं देगा, सब कुछ देगा। सौभाग्य की वृद्धि, धन की वृद्धि, पुत्र और पत्नी की वृद्धि, घर में सभी शुभ कार्य होंगे, वाहन सुख, 2-3 गाड़ियां ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अटके पड़े थे पूर्ण होने वाले हैं, कोई भी प्रयत्नों में सफलता नहीं मिल रही थी मिलेगी, मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहे थे मिलेंगे, और महालक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए होगी। मित्रों का, सहयोगियों का पूरे सहयोग आपको मिलने वाला है। गवर्नमेंट से, जिसको हम राजा बोलते थे अपनी ज्योतिष की भाषा में, वो आज की तारीख में सरकार है, उनकी तरफ से कोई जॉब का, कोई सरकारी ठेके का अच्छा विवरण नजर आ रहा है। घर में पुत्र नहीं हो रहे, पुत्र प्राप्ति का अच्छा संदेश दिख रहा है। पशुधन की वृद्धि, भूमि खरीद की वृद्धि, मकान भी मिल सकता है, ये सारी चीजें चंद्रमा अपने अंतरदशा में और दशा में देकर जा रहे हैं। बचत भी बढ़ेगी आपकी, हर तरह से सुख ही सुख है। अब हम बताते हैं चंद्रमा बहुत खराब फल भी देते हैं, कब देते हैं। चंद्रमा की एक नीच राशि भी होती है, वृश्चिक राशि को चंद्रमा के नीच राशि बोलते हैं। चंद्रमा अपनी नीच राशि में तृतीय भाव में बैठे हैं अगर, तो भी आपको धन की हानि देके जाएंगे, कभी लाभ दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली तीसरे भाव में अच्छा फल नहीं देते। और एक खासियत चाहिए, और चंद्रमा क्षीण होने चाहिए, यानी उनकी डिग्री कम होनी चाहिए, और उनके ऊपर क्रूर दृष्टि भी है तो ये पीड़ा जो है बहुत ज्यादा होगी, और धन की हानि का पूर्ण संदेश है। चंद्रमा निर्बल है, पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रह हो गए शनि, मंगल, राहु, केतु अगर बैठ गए तो जीवन में आलस्य देंगे, आप कोई भी काम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, मनोविकार होगा, नौकर यानी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे बहुत बड़ा झगड़ा होगा, हो सकता है वो चोरी करके भाग जाएं, माता को दुष्ट, माता को कष्ट होने का संकेत है। और चंद्रमा छठे, आठवें और बारहवें भाव, छठा भाव रोग का, आठवां भाव दुर्घटना मृत्यु का, और बारहवां भाव खर्चों का भाव है, इनमें अगर बैठे हैं, पाप युक्त होके बैठे हैं यानी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, और दूसरा अपनी नीच राशि में है, डिग्री भी कम है, तो आपको उनकी अंतरदशा और दशा में कभी भी शुभ फल नहीं मिल सकते। शत्रुता होगी राजा से, यानी कोई आपका बॉस है उससे झगड़ा होगा, वो हो सकता है कोई नोटिस वगैरह दे दे। चंद्रमा कई बार 6, 8, 12 में अगर उच्च राशि में या अपनी राशि में भी बैठा है
तो फल तो वृद्धि कारक नहीं होंगे, लेकिन कभी बीच बीच में लाभ दे सकता है, क्योंकि नीच भावों में चंद्रमा अच्छे फल नहीं दे पाते, ये इनका होता है, फितरत होती है। नीच भावों में शुभ ग्रह महादशा और दशा में बहुत उत्तम फलों में वृद्धि नहीं करते, जितने कि वो शुभ भाव में या केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में करते हैं। दोस्तों, आपको कहा था कि एक निशुल्क सेवा है, तो मेरा एक ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कुछ भी दशा अंतर दशा एक प्रश्न बोल रहे हैं, पूछना हो, निशुल्क सेवा है, उस पर लिख के भेजिए जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, एक प्रश्न हो, जरूर देंगे आपको उत्तर। माता रानी की आप पर पूरी अनुकंपा रहे इसी अवधारणा के साथ। नमो नारायण।